बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बन रहा है जी, टी लवर्स के लिए ज़बरदस्त सी ज़ाफ़रानी टी बन रही है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने तकरीबन, क्योंकि मैं 2 कप जो है चाय बना रही हूँ, तो ये 2 टीस्पून जो है भर के मैंने पत्ती लिया। अच्छे ब्रांड की पत्ती लेंगे, स्ट्रॉन्ग पत्ती है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून चीनी लिए, चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 अदद इलायची लिए, ये देख सकते हैं, बीच में से स्प्लिट कर लिए मैंने। आप देख सकते हैं पिंच से भी थोड़ा सा कम नमक लिया है। सौंफ लिया है 1/4 टीस्पून, ये बहुत ठंडा सा एहसास देगा, अच्छा सा फ्लेवर देगा। और ज़ाफ़रान ऐड करेंगे क्योंकि ज़ाफ़रानी चाय है, और चाय लवर्स के लिए आज ज़बरदस्ती रेसिपी बन रही है। और 2 कप मैं बना रही हूँ, तो मैंने 2 कप जो है दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। चलें जी, आप देख सकते हैं कि दूध जो है बॉयल हो चुका है अच्छा सा। अभी इस वक्त फ्लेम में कर रही हूँ लो, ठीक है। अब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करती हूँ, ये ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड इसमें शामिल कर दिए हैं, और इस अच्छा सा इसको हमने मिक्स करना है। तो ज़ाफ़रान की वजह से इसका टेस्ट भी अलग ही होगा, ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारा ज़ाफ़रान ऐड हो चुका है इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं इलायची, सौंफ, और जो पिंच के करीब हमारा नमक है, पिंच से थोड़ा सा कम ही है नमक, ये भी इसमें शामिल हो गया। इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे फॉर अबाउट 1-2 मिनट्स हम इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे, ताकि ज़ाफ़रान का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और अपना जो है ये सौंफ है इसका कलर भी अच्छा आ जाए। तो 2 मिनट के करीब हम इसको अप एंड डाउन इसको अच्छा सा बीट करेंगे, फिर हम फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। और इसमें चीनी नहीं, पहले पत्ती शामिल करेंगे, और पत्ती शामिल करने के बाद अब हम चीनी भी शामिल कर रहे हैं। और इसको अच्छा सा तकरीबन हाई फ्लेम करने लगी हूँ मैं, हाई फ्लेम पे अच्छा सा इसको बीट करते रहेंगे, जैसे पठान के होटल पे होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका लुक चेक करें, अभी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी आप इसका लुक चेक करें, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको हम इसी तरह बीट करते रहेंगे ऑन हाई फ्लेम तकरीबन 5 मिनट, और फिर हम इसको फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। चले जी, ये मुझे बीट करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, चाय का कलर भी आप देख सकते हैं अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है, बस इसको सर्व करते हैं। चले जी, हमारी चाय हो चुकी है रेडी, बिस्मिल्लाह करते हैं और कप में इसको डालते हैं। ज़बरदस्ती खुशबूदार चाय, ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा आपने बनाई आपको कैसी लगी। तो ये ज़बरदस्त सी जी चाय हम पीने वाले हैं, ज़रूर ट्राई करें ये चाय। इसमें जी हमने क्या डाला है, ज़ाफ़रान डाला है, सौंफ डाला है, और ज़बरदस्त सी जी हमने पत्ती और दूध इसमें शामिल किया है। खुशबूदार सी चाय हमारी रेडी है, एक ड्रॉप भी मैं ज़ाया करने वाली नहीं हूँ इसका। चलें जी, ये थी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी, उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़। Bye.